तो दर्शकों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या मोदी जी वापस 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। तो कुछ दिन पहले हमने कुछ सर्वे कराया था, जिसमें हमने देखा कि मोदी जी जो 5 बड़े रूल लाए हैं, कितनों को सही लगे और कितनों को गलत। सबसे पहला था डिमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी। टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी, वी हैव डिसाइडेड दैट द 500 रुपी एंड 1000 रुपी करेंसी नोट्स प्रेजेंटली इन यूज विल नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर From midnight to night, persons. और इसमें 75% लोगों ने वोट दिया है, यानी 75% लोग इसको सही मानते थे। दूसरा रूल था GST, यानी गुड्स और सर्विस टैक्स, और इसमें 87% लोगों को सही लगा है। तीसरा था कृषि कानून, और इसमें लोग खिलाफ रहे, इसमें 20% लोगों को सही लगा। चौथा सर्जिकल स्ट्राइक, यह रूल 92% लोगों को सही लगा। पांचवा आर्टिकल 370 वापस लेना, यह 73% लोगों को सही लगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग अब भी मोदी जी को पसंद करते हैं और उन्हीं को अगले प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं।